हे गाइस, मेरा नाम जिशान खान है। तो कैसे आप सब लोग, आज का जो वीडियो होने वाला है, ये जो धूप सीधा हमारी कार पर पड़ती है और हमारी कार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसे गर्म होने से कैसे रोके। अगर हम अपनी कार कहीं ओपन स्पेस में खड़ा कर दें मॉर्निंग के टाइम, आफ्टरनून के टाइम, तो इस धूप के वजह से कार में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, कार में बहुत ज़्यादा। और अपना इंडियन लॉ के हिसाब से हम कार पर टिंटिंग ग्लास नहीं लगा सकते, टिंट ग्लास होता है जो, वो हम नहीं लगा सकते। तो क्या करें, उसका अल्टरनेट क्या है, तो मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसका वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर मैं अभी अपनी कार का अंदर से व्यू दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस मेरी कार पे अभी कोई भी टिंट फिल्म लगी नहीं है, ब्लैक फिल्म लगी नहीं है, ये पूरा क्रिस्टल क्लियर है, तो बाहर का सब एकदम क्लियर दिखता है। अभी तो मेरी कार गैरेज में पार्क है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे धूप नहीं आती है। अगर अपनी कार कहीं ओपन स्पेस बाहर खड़ी करता तो बहुत धूप आती है, तो ये अब यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर सनरूफ की बात करें तो सनरूफ पे हाँ ब्लैक टिंट आता है, वो कंपनी के तरफ से ही आता है, तो ये लीगल है। बाकी हम चारों साइड पे फिल्म नहीं लगा सकते ब्लैक, ये इलीगल। तो मैंने जो लगाया प्रोडक्ट, मैं वो दिखाऊंगा अभी आपको। जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैंने अभी ट्रंक में रखा हुआ है पीछे डिगी में, तो चलिए जल्दी से डिगी खुल के आपको अपना प्रोडक्ट रिवील कर देता हूँ। ये मेरी डिगी ओपन हो गई। सो ये रहा हुंडई वर्ना का, ये 2017 लिखा हुआ है इस पर, वरना न्यू 2017, बट जो मेरी वरना है वो 2021 है, और 21 में सिर्फ फेस लिफ्ट हुआ है, तो अंदर से कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये वाला आराम से बैठ जाएगा सनशेड मेरी वरना पर। और मैं पूरा बताऊंगा बिठा कर के कैसा ये लुक आता है बिठाने के बाद, और ये कैसे बैठता है, और ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो चलिए फटाक से इसका अनबॉक्स करते और देखते। तो यहाँ पर मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है, तो हमें अंदर जो प्रोडक्ट देखने मिलते हैं, ये चार सनशेड मिलते हैं, दो आगे के और दो पीछे के सनशेड हैं। जो आगे के दो है उसमें हमें चैन देखने मिलती है, और दो पीछे के दो जो आते हैं उसके अंदर हमें चैन नहीं मिलती। आगे के दो ये रहा चैन रहा, इसके अंदर ये जिपर मिलता है, हमें जिप मिलता है। अगर ये आगे जिप इसलिए मिलता है क्योंकि हमें साइड मिरर प्रॉपरली दिख सके, तो हम ये जिप खोल के इसे नीचे करते हैं। तो जल्दी से मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इंस्टॉल होने के बाद इसका लुक कैसे आता है। अभी जो बाहर से लुक है विदाउट सनशेड वो इस तरीके से दिखता है, बहुत ही, इस पर कोई भी फिल्म नहीं लगी, ब्लैक फिल्म नहीं लगी, क्योंकि वो इलीगल है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भी लीगल है, ये भी इलीगल है, बट ये आप तब लगा सकते हैं जब आपकी कार पार्क हो। अगर आपको कार अपनी गर्म नहीं चाहते, अंदर से गर्म हो जाए, तो ये आप तभी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ऐसे लगा कर आप ड्राइव करें, अगर करना है तो पीछे के दो लगा कर आप ड्राइव कर सकते हैं। पैसेंजर फ्रंट पैसेंजर सीट पे मैंने इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे ये मैग्नेट देखने मिलता है, ये मैग्नेट सुपरबली चिपक जाता है इस पर अपने विंडोज़ पर, और ज़रा भी नहीं हिलता। आपकी कार अगर खड्डे में भी जाए तो ये मैग्नेट ज़रा भी नहीं मिलते। यहाँ पे एक दो तीन मैग्नेट देखने मिलते हैं, ये रहा एक दो और तीसरा यहाँ पर है। सो ये प्रॉपरली चिपक जाता है। और ये चैन जो मैं कह रहा था कि साइड जो मिरर है, हमें कार चलाने में आसानी होती है दिन के वक्त अगर हम इसे खोल दें, और इस साइड मिरर हमें प्रॉपरली विजिबल रहता है, इसे इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पीछे के डोर पर। सो पीछे के डोर पर भी मैंने इंस्टॉल कर दिया है, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वेल फिटेड ये इंस्टॉल हुआ है, ज़रा भी कहीं से भी गैप नहीं है, और प्रॉपरली ये बैठ गया है। तो मैंने चारों डोर पे एकदम प्रॉपरली इसे फिट कर दिया, तो देखते हैं बाहर से इसका लुक कैसे नज़र आता है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरी कार कितनी ब्लैक, ऐसा लग रहा है मैंने इस पर ब्लैक फिल्म और टिंट फिल्म लगाया है, पूरा ब्लैक कर दिया है कार को, बट ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से विजिबिलिटी ज़रा भी नहीं है, पीछे तो मेरे जो कंपनी से आते वही लगे हुए हैं नेट वाले, और आगे ये देखिए ज़रा भी अंदर विजिबिलिटी नहीं दिख रही है। अगर आगे से भी देखें तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे विजिबिलिटी अंदर ज़ीरो है, अगर पास में एकदम करीब में आकर अगर देखोगे तो ये दिखेगा, बट अगर ऐसा देखने जाओ तो यार मुझे तो ये, मैं तो बहुत सेटिस्फाई उस प्रोडक्ट से कि बिना फिल्म के मैं जब चाहूँ ये उतार सकता हूँ लगा सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल कितना पास लेके गया, फिर भी अंदर विजिबिलिटी ज़ीरो है। यहाँ पे थोड़ी विजिबिलिटी दिख रही है क्योंकि कार अभी इस वक्त बहुत धूप में खड़ी है, बट इतने पास आने के बाद हमें विजिबिलिटी दिखती है, और दूर से तो ऐसे लगेगा कि ये पूरा मैट ब्लैक ही है। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है। अगर मैं कार के अंदर बैठता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लुक दिखता है पूरी कार में, और सच बताऊँ तो कार अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडी है, ज़्यादा गर्म हुई नहीं है कंपेयर, अगर ये नहीं होता है कार में तो। देख सकते कार में कुछ ऐसा सा लुक आ रहा है। विजिबिलिटी बाहर की तो दिन में काफ़ी अच्छी है,
रात में नहीं लगा सकते यार, अगर मैं सच कहूँ तो रात में इसे नहीं लगा सकते। ड्राइवर साइड पे तो बिल्कुल मत लगाइए और पैसेंजर सीट पे भी मत लगाइए। अगर इसकी मैं बात करूँ, यहाँ पे चैन है, तो इस चैन को अगर मैं ओपन कर दूँ तो हाँ, यहाँ से मैं क्लियरली अपना साइड मिरर देख सकता हूँ। सो इस चेन को खोलने के बाद मैं हाँ क्लियरली अपना साइड मिरर तो देख ही सकता हूँ, और ये साइड पे भी मुझे चेन मिल जाती है। सो यहाँ से भी मैं ओपन करके क्लियरली अपनी साइड मिरर्स देख सकता हूँ। तो ये दिन में तो चल जाएगा यार, बट रात की बात करूँ तो रात में मैं इसे सजेस्ट करूँगा कि मत ही लगाओ। पीछे रहने तो चलेगा, बट आगे तो निकाल ही देना, क्योंकि रात में इतना सूटेबल नहीं है। बट अगर सच कहूँ तो यार, लुक तो बहुत बढ़िया कर दिया गाड़ी का, अंदर से भी पूरा शेड एकदम डार्क शेड आ गया। सच को तो धूप ज़रा भी नहीं आ रही है कार में, देख सकते कितनी धूप है बाहर। बट कंपैरेटिवली आज तो बहुत कम धूप है, लेकिन फिर भी इतनी धूप काफ़ी है कार को गर्म करने के लिए। तो इस तरीके से अंदर का पूरा लुक है, जो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। सो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर हेल्पफुल है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से अपनी कार में जितनी भी मॉडिफिकेशन करता हूँ उसके वीडियोज़ में प्रॉपरली डालते रहो, आपको अवेयर करते रहो कि मार्केट में क्या क्या न्यू चीज़ें हैं जो आपके कार के लिए सूटेबल है, लीगल है। सो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको लगता है कि इस वीडियो को जिसे देखना चाहिए उसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच,